एक स्टूडेंट ने मुझे एक दो दिन पहले कहा था कि आप इन्फ्लेशन के बारे में, मैंने हिंदी में बोलते हैं उसको मुद्रास्फीति, इसके बारे में आप लेक्चर दें। तो मैंने सोचा कि आपको इससे मैं रूबरू करा दूं, और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना। आप लोगों को अगर कोई टॉपिक के बारे में जानने का इच्छा हो तो आप ज़रूर मुझे बता दें या ग्रुप में लिख दें, तो मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा। मेरा जो मकसद है वो है टोटल स्टूडेंट ओरिएंटेड। मैं टू वे प्रोसेस में विश्वास करता हूं, और मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को जो भी डिफ़िकल्टीज हैं, जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें, हम मैं कर सकूं। तो ये मेरा मेन उद्देश्य है ये क्लास कंडक्ट कराने के लिए। तो आप ज़रूर मुझे बताएं आप किस लेवल का एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं या बीपीएससी कर रहे हैं या एमपीएससी कर रहे हैं या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज या राजस्थान का कर रहे हैं, तो मैं उस तरह से अपने आप को पोजिशनिंग करूंगा और मैं वो टॉपिक लेके आपके समक्ष 2-3 दिन के अंदर मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो आपका फीडबैक मिलना मुझे मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रुप में आप ज़रूर फीडबैक दें, और ख़ास करके यूट्यूब पर फीडबैक दें, जिससे कि लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके। अपने दोस्तों को भी बताएं। अब ऑफलाइन क्लास भी शुरू होने जा रहा है इंदौर में, जैसे कलेक्टर ने घोषित किया है, तो हम शीघ्र ही ऑफलाइन क्लास की तरफ भी बढ़ेंगे। हालांकि हमारा ऑनलाइन क्लास चलता रहेगा और वीडियो भी अपलोडेड होते रहेंगे, तो मेरा 3 काम एक साथ होगा। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऑफलाइन क्लास अगर होगा तो ऑनलाइन का क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति। अब आगामी सिर्फ आधा घंटा के क्लास में मैं इसको ख़त्म करूँगा। मुद्रास्फीति एक विश्वव्यापी समस्या है। कॉस्ट प्राइस, मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, कि जब गुड्स एंड सर्विसेज में, मतलब सामान में, गुड्स मतलब सामान, सर्विसेज मतलब सेवा, तो इसमें अगर बढ़ोतरी होती है, जैसे डेली यूज़ के सामान हम इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा का सामान हमें हर व्यक्ति को इस्तेमाल करना होता है, और जब उसमें प्राइस में शूटअप होता है, बढ़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। ये प्राइस सूटअप होता है, जैसे खाद्य पदार्थ में, हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें, ट्रांसपोर्ट में हम एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं उसमें, किराए के बढ़ोतरी में, या जो हाउस या मकान जो हमने किराए पर लिया है उसमें बढ़ोतरी होने पर, या मकान खरीदते हैं तो उसमें बढ़ोतरी होता है। तो ऑल दिस थिंग्स इनकम्पासेस इन्फ्लेशन। और इसी का जस्ट रिवर्स होता है डिफ्लेशन। ये डिफ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मतलब जब प्राइसेस एकाएक घटने लगते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसके जो रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर हैं, उस पर बहुत ज़बरदस्त कुठाराघात पड़ता है। तो इसका एक मतलब और भी होता है, और वो मतलब क्या है कि जब रुपये का जो ताकत है, परचेजिंग कैपेसिटी है, उसमें जब कमी आती है, डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी ऑफ ए कंट्री, जैसे हम लोगों के यहाँ रुपया चलता है, तो अगर रुपया में की जो उसकी ताकत है, जो खरीदने की शक्ति है, उसमें अगर कमी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। अब दोस्तों, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट ये मैंने प्रभाव क्या पड़ता है कि परचेजिंग पावर जब किसी भी रुपये का, किसी भी करेंसी का अगर डिक्रीज कम होता है, तो कॉमोडिटीज माने खाद्य पदार्थ या अन्य जो सामान या सर्विसेज, उस सभी महंगे हो जाते हैं, और इसका प्रभाव अंततः हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो हम जो जीवन यापन करते हैं उसमें हमें जो कॉस्ट चुकाना पड़ता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, उस पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा घट जाता है, क्योंकि जितना कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए रुपये चाहिए वो उतना रुपया, चूंकि
वो रुपया की ताकत जो है ना कमज़ोर हो गई है, तो इसीलिए जो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी कमज़ोर हो जाता है। हम बहुत सारे सामानों को कटौती करना शुरू कर देते हैं, ये आप अनुभव से भी जानते हैं, हर आदमी रोज़मर्रा के जीवन से इससे रूबरू होता रहा है। तो इसी को हम उसको कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं। ये इन्फ्लेशन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको अलग से कुछ पढ़ा जाए, मैं आप रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं, लेकिन मेरा जो आज जो क्लास लेने का जो मकसद है वो है कि आपका कंसेप्चुलाइजेशन ठीक ढंग से हो जाए, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो आप तरतीब बार से उसको लिख सकें। दोस्तों अभी जो हम जो क्लास ले रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमी के जनरल स्टडीज़ का, आपके पेपर आपने देखा होगा UPSC का और MPSC का या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उस लिहाज से हम बोल अभी आपको लेक्चर दे रहे हैं। जो कैंडिडेट इंडियन मैंने इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र जिनका ऑप्शनल पेपर होगा तो उनके लिए मैं और ज़्यादा डीप में जाऊँगा, लेकिन जो जनरल स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि उनको बहुत सारे और सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो दोस्तों एक इम्पैक्ट तो ये हुआ कि जो हमारा जो जीवन जीने का जो स्टैंडर्ड है उसमें कमी आने लगती है। हम बहुत सारे सामान को कटोतरा करने लगते हैं कि नहीं ये सामान नहीं लेना है, वो सामान नहीं लेना है, क्योंकि जो परचेजिंग पावर है हमारे रुपये का, जो हमारे पास रुपया है, चाहे हमें सैलरी के माध्यम से मिला हो चाहे दूसरे माध्यम से मिला हो, बिजनेस से मिला हो, उसकी ताकत कमज़ोर हो गई है। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि इन्फ्लेशन होता क्यों है, व्हाई इन्फ्लेशन के कारण क्या है, मुद्रास्फीति के कारण क्या है, उस दिन मैंने एक दो पॉइंट आपको जरूर बताए थे, लेकिन आज मैं और कारण के बारे में बताऊंगा ताकि आप सिस्टमेटिक ढंग से अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसका जवाब दे सकें। पहला तो मैंने कहा है कि हाई डिमांड, गैप बिटवीन द हाई डिमांड एंड स्मॉल सप्लाई, जब दोनों में डिमांड में गैप होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। दूसरा, एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी लीड्स टू इन्फ्लेशन। आप दोस्तों आप जानते हैं कि सरकार जो है रुपया छापती है, यहाँ देवास पर जो है, देवास हमारे शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर रुपये छापने की मशीन है, उसी तरह से नासिक में और देश के दूसरे दूसरे जगह भी है, तो रुपये छापने का काम करता कि इकोनॉमी में रुपये का सप्लाई हमेशा होता ही रहे। तो दोस्तों जो एक्सेस सर्कुलेशन जब मनी का हो जाता है तो क्या होता है, हमारा इकोनॉमी या हमारा इकोनॉमी उसको जज्ब नहीं कर पाता है और उसके कारण से रुपये सस्ते हो जाते हैं और सामान महंगा हो जाता है। या आपने कॉमन सेंस देखा होगा वेनेजुएला में और बहुत सारे अफ्रीकन देश में, जहाँ पर कि रुपये का मान मान मूल्य बहुत कम हो गया था और बाद में IMF को और वर्ल्ड बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा था, तब जाकर के उनकी इकोनॉमी में सुधार होना शुरू हुआ। तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर आप गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो पिछले 30-40 साल में गवर्नमेंट का जो हमारे मैंने खास करके हमारे देश की बात कर रहा हूँ, तो हमारे देश में जो मनी सप्लाई रहा है वो 15-18% पर ईयर मनी सप्लाई रहा है, लेकिन जो हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारा सप्लाई है खास करके गुड्स एंड सर्विसेज का, वो 4% से ज़्यादा नहीं बढ़ा है। मतलब मनी सप्लाई अगर देखेंगे तो 15 to 18% ये वृद्धि हुई है, जबकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनमें जो बढ़ोतरी हुई है वो कितना है, 4%। तो ये जो गैप है इसके कारण से इन्फ्लेशन होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले के लेक्चर में बताया था कि काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी हमारे देश में एग्रीकल्चर में जो हमारा विभिन्न प्लान में लक्ष्य था, योजना में लक्ष्य था कि 4% जो है वो एग्रीकल्चर में वृद्धि किया जाए, ग्रोथ रेट हम चाहते थे कि 7% 8% हो, जो ग्रोथ रेट जो होता है वो समग्र होता है, माने इंडस्ट्री ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, ग्रोथ इन गुड्स एंड सर्विसेज,
सभी का मिला करके एक एक, एक ग्रोथ रेट का निर्माण होता है। तो हमने क्या देखा कि हमारे देश में पिछले 40-50 साल में मुश्किल से 5%, 4%, 6% ग्रोथ रेट हुआ। उसी पीरियड में जो 80 से लेकर के 2015 तक का जो मैं बता रहा हूँ उसमें चाइना का जो ग्रोथ रेट हुआ है, वृद्धि दर, वो हुआ 10%। और इसी कारण से चाइनीज इकोनॉमी हमारे देश से लगभग 4 गुना ज़्यादा हो गई। तो जिस रफ्तार में हमारा ग्रोथ एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में होना चाहिए, वो नहीं हुआ। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा 15 से लेकर 18% जो मैंने बताया मनी सप्लाई, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ा है। उसके कारण से जो गैप हुआ है, दिस रिजल्टेड इन टू इन्फ्लेशन। दूसरा कारण है डिफिसिट फाइनेंसिंग। ये टर्म है, आप लोगों को इसका मैं व्याख्या प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। ये एक विशद टॉपिक है, इसके बारे में हम अलग से भी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग में दोस्तों क्या होता है, जब गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती है और उसको खर्चा करना है वेलफेयर एक्टिविटी पर, अन्य एक्टिविटीज पर, कर्मचारियों को सैलरी देने होते हैं और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करना पड़ता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसी योजनाओं को चलाना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट ऑफ द डे को लोगों के द्वारा अगले इलेक्शन में वोट दिया जा सके, लोग वोट दे सकें उसको। तो ऐसी स्थिति में जब रिवेन्यू क्रंच है, जब रिवेन्यू मिल नहीं रहा है, तो स्थिति में गवर्नमेंट क्या करती है, ओवर स्पेंडिंग करती है। गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, बैंक से करती है, पब्लिक बोरोइंग भी कर सकती है, इंटरनेशनल मार्केट से भी या इंटरनेशनल बैंक से बोरोइंग करती है। तो वो जो बोरोइंग करती है, तो ये क्या हुआ कि जितना आपका रिवेन्यू जो आपने अर्न किया, उस रिसीट जो रिवेन्यू का जो रिसीट हुआ, प्राप्ति हुआ, उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो गया। और आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे जो योजना साल दर साल उसके जो क्वांटम है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। जैसे कि आपने छठे प्लान में आपने देखा होगा कि 15,000 करोड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट ने बोरो किया। और उसके अलावा 7th प्लान में हम क्या देखते हैं, 36,000 करोड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट ने बोरो किया। तो ये जो इतना ज़्यादा जो बोरोइंग किया, मतलब इसको बोलते हैं डिफिसिट फाइनेंसिंग। तो इस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि जब मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगा और उसके हिसाब से अगर गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई मार्केट में नहीं होगा तो रिजल्ट होगा इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन, तीसरा है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से सभी लोगों को गरीबी रेखा से उठाया जाए, उनके जीवन स्तर में सुधार किया जाए, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाए जिसमें सभी लोगों को उन्नति का या प्रोग्रेस का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हुई। अगर आप फर्स्ट योजना का जो आउटले देखें और अभी जो 2015 के समय का जो भारत सरकार का बजट देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर प्रति साल बढ़ते जा रहा है, उसके कारण से मनी फ्लो मार्केट में ज़्यादा होता है। और जब मनी फ्लो मार्केट में होगा, लोगों के पास में रुपये आने लगेंगे, तो वो सामान भी ज़्यादा खरीदेंगे। अब इसके कारण से इन्फ्लेशन हुआ। अब जो इसमें एक फैक्टर और भी है, जो है मॉनेटरी पॉलिसी बाय RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों मनी फ्लो को रोकने के लिए और उसको नियंत्रण करने का जो जिम्मा दिया गया, उसको किसको दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। आप जानते होंगे हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें कुछ जो टर्मिनोलॉजी हैं उसको आपको याद करना जरूरी है। वो इसीलिए है कि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वो टर्मिनोलॉजी आपको पूछा जाएगा। और अक्सर इन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से RBI मुद्रा नीति को या मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करती है,
ताकि मार्केट में ज़्यादा ज़्यादा मनी का फ्लो नहीं हो, और जब या कम फ्लो नहीं हो तो संतुलन का बैठाने का काम करती है। और आप देखते होंगे कि हर 3 महीने पर, आपको भी अगर आप पेपर पढ़ते होंगे तो मालूम होगा, पहला जो है वो है रेपो रेट। अब दोस्तों रेपो रेट क्या बोलते हैं इसको? रेपो रेट मीन्स द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू बैंक्स या कॉमर्शियल बैंक्स। इसका क्या मतलब होता है? हर 3 महीने पर आरबीआई जो है वो इसका मूल्यांकन करती है, आप पेपर में पढ़ते होंगे। तो ये जो द रेट एट विच द आरबीआई लैंड मनी टू द बैंक फॉर शॉर्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड रेपो रेट। व्हेन रेपो रेट इंक्रीजेस, जब रेपो रेट का रफ्तार ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। अब जैसे कि मान लीजिए कि आरबीआई ने जो लैंड किया, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया, मान लीजिए 5% के दर पर दिया, आज की तारीख में रेपो रेट मान लीजिए 4% है, तो अगर 4% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया तो आप देखेंगे कि वो 1-2% बढ़ा करके ही जनता से जो है रेट पर देगा। जैसे आपको हाउस मकान के लिए लोन लेना है तो अभी हमने बहुत सारे विज्ञापन देखा कि 7% पर या 6.9% पर, किसी ने 6.75% पर जनता को लोन देने का उन्होंने जगह जगह विज्ञापन दिया हुआ। व्हाट डज दिस इंडिकेट? इसका मतलब यह हुआ कि अगर वही चीज़, अगर रेपो रेट आरबीआई क्या करता, अगर वो 8% पर देता तो एसबीआई या दूसरे बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, वो क्या करते 2% के मार्जिन पर या 3% के मार्जिन पर, क्योंकि उनको अपना भी संस्था चलाना है, तो वो 10% पर देते, 11% पर देते। लेकिन अभी जो है जो जैसे रेपो रेट 4% है, तो उन्होंने क्या किया, बैंक ने, एसबीआई ने या दूसरे बैंक ने, किसी ने 6.5%, किसी ने 6.75%, किसी ने 7%, ऐसा करके जनता को लुभाने के लिए, उनको हाउस लोन देने के लिए जगह जगह विज्ञापन डाला हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि आरबीआई यह चाहता है कि मनी का फ्लो मार्केट में हो, ताकि लोग, चूँकि अभी कोरोना चल रहा है, बहुत मुश्किल वक्त है, तो मनी का किसी फ्लो का क्रंच नहीं हो, इसीलिए रेपो रेट क्या क्या है कम कर दिया गया, मैंने लगभग 4% पर आ गया है, जो बहुत ही एक बहुत बड़ी बात है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट यह होता है जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों से इंटरेस्ट पर पैसा लेता है। और यह ऐसा क्यों करता है? क्यों? जब आरबीआई देखता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं और मनी डिवैल्यूड हो रहा है और उससे गुड्स एंड सर्विसेज मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट लगाता है और उसका दर भी फिक्स करता है। और इस रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई दूसरे जो कमर्शियल बैंक से हैं उन पर, उनसे लोन लेता है, इंटरेस्ट पर लोन लेता है। और बहुत सारे बैंक जो है ना आरबीआई में ही पैसा जमा करना चाहते हैं, क्योंकि जनता को देने या दूसरे को देने से ज़्यादा जो फायदेमंद है और सिक्योरिटी भी है कि आरबीआई के पास आपका पैसा है, तो वो भी कोई आनाकानी नहीं करते, वो पैसा रिवर्स रेपो रेट ये आरबीआई लागू करती है जब उसे लगता है कि मार्केट में मनी का बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया है। एक और इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के पास में, वो है कैश रिजर्व रेशियो। ये दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो क्या है? प्रत्येक बैंक को, आरबीआई के पास ये पावर है कि प्रत्येक जो कमर्शियल बैंक हैं जो लेन देन का काम करते हैं, या दूसरे भी बैंक जो लेन देन का काम करते हैं, जो लाइसेंस्ड हैं आरबीआई के द्वारा, जिनका काम है बैंकिंग का काम करना, उनका ये है कि नियम है कि आरबीआई नियम बनाता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश विल बी डिपॉजिटेड एट आरबीआई। सर्टेन अमाउंट
ऑफ द मनी जो उनके पास है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में मनी डिपॉजिट है, सर्टेन अमाउंट आरबीआई ये नियम बनाती है कि इतना अमाउंट जो है ना आपको आरबीआई में मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना होगा, और दिस इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। अब मान लीजिए कि कोई बैंक जो है ना, मान लीजिए उसको फायदा 100 रुपये का हुआ, तो 10% मतलब 9 रुपया या 10 रुपया उतना आरबीआई कह सकती कि आप हमारे पास रखो, और मात्र 90 रुपया ही आप लेंडिंग कर सकते हो। ये सारे जो काम जो आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं एहतियात के तौर पर कि कोई बैंक बैंकक्रप्ट नहीं हो या उसकी माली हालत बिगड़े नहीं। लालच में आकर के बैंक सारे पैसे जो उनके पास में जो कैश हैं वो लोगों में नहीं दे दे, और कल के दिन पता लगा कि कोई आफत आसमानी आ गई तो उसे कोप अप करने के ताकत उसके पास है ही नहीं। तो इसीलिए रिजर्व बैंक का इस प्रकार का शिकंजा रहता है। और ये कैश रिजर्व रेशियो जो मैंने अभी बताया, जो और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है बैंक रेट। अरे दोस्तों, ये प्रचलन में आजकल नहीं है, इसके बदले में प्रचलन है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, MSF बोलते हैं इसको शॉर्ट में। बैंक रेट क्या होता है, हालांकि जानना आपको जरूरी है कि रेपो रेट में और बैंक रेट में अंतर यह है कि रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को या दूसरे बैंक को लेंड करता है विथ ऑन सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स करता है, और बैंक रेट क्या होता था फॉर लॉन्ग टर्म, और उसके लिए इंटरेस्ट रेट भी फिक्स किया जाता था। एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं जिसको कि MSF बोलते हैं। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, एक प्रकार का ये राहत देने का प्रावधान है आरबीआई के द्वारा विभिन्न कॉमर्शियल बैंकों का, और इमरजेंसी से निपटने के लिए ये साधन है जिसमें कि जब बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाए तो उस स्थिति में आरबीआई जो है वो इसका प्रावधान करती है। और अभी जो MSF का जो रेट है वो 4.25% है आज की तारीख में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, SLR। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि हरेक आरबीआई ने निर्देशित किया हुआ है कि हरेक बैंक को पर डे बिजनेस मतलब जो रोजमर्रा के जो काम होते हैं बिजनेस होते हैं उसके समाप्त होने के बाद में 6 बजे 7 बजे जब भी उनका समय समाप्त होता है तो एक निश्चित अमाउंट लिक्विड मनी रिजर्व रखने का प्रावधान है कि इतना आपको वो गोल्ड में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, और अप्रूव्ड जो सिक्योरिटीज है गवर्नमेंट के द्वारा जिसकी मान्यता है वो उसके माध्यम से उसे एक सर्टेन मिनिमम पोर्शन ऑफ गोल्ड और कैश या सिक्योरिटीज ये रखना होता है, और आरबीआई को इन्फॉर्म भी करना होता है कि हमारे पास में इतना पैसा है। आरबीआई को ये पावर है कि वो SLR को 40% तक बढ़ा सकता है। ये आरबीआई का एक्सक्लूसिव पावर है। तो हम जो इतना इम्पॉर्टेंट जो आपको टर्मिनोलॉजी बताए हैं मॉनेटरी पॉलिसी के तहत में जो आरबीआई नियंत्रण का काम करती है वो बेसिकली मनी सप्लाई, मनी के फ्लो को नियंत्रण और नियमन मैंने रेगुलेट एंड कंट्रोल काम करने काम करती है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था कि एक जो इन्फ्लेशन का जो एक कारण है वो ये भी है कि ज़्यादा मार्केट में मनी का फ्लो हो जाना और उससे मैचिंग करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज पैदा नहीं होना, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लेशन को बढ़ावा देते हैं, और उसी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई ये सारे इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेती है। दोस्तों, अब इसके बाद में जो एक चौथा फैक्टर जो मैंने कारण बताया था कि इनएडिक्वेट एग्रीकल्चरल
एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जैसा कि मैंने परसों आपको बताया था कि हिंदुस्तान में जो महंगाई 70 के दशक में 80 के दशक में इतना हो रहा था, उसका रीज़न ये था कि हमारे देश का जो ग्रोथ है, जो वृद्धि दर है, वो 3% 4% कभी कभी 5%, 80 के दशक तक ऐसा ही चलता रहा। और जिस तरह से हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ता गया, तो उसके कारण से लोगों के बहुत ज़्यादा डिमांड हुए, उस अनुपात में इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हुआ, रोज़ रोज स्ट्राइक होता था, प्रोडक्टिविटी कम होती थी, पब्लिक सेक्टर के हाल बुरे हो गए थे, जो मैंने आपको प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के टॉपिक के समय में बताया था कि क्यों भारत सरकार लिबरलाइजेशन की तरफ या उदारीकरण की तरफ 1991 में गई, क्यों उसे प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा और अपने पॉलिसी और अपने इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट में से इंटीग्रेट करने के लिए विवश होना पड़ा। तो उसका रीज़न ये है कि हमारा जो जैसे फूड प्रोडक्शन है, जो आप 47 से लेकर के इवन जो 2020 तक देखेंगे, तो फूड प्रोडक्शन जो है वो 3.2% से ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन इसी पीरियड में आप क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ता गया और जिसके कारण से फूड शॉर्टेज होते गए। हालांकि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरुआत कर दिया था और पंजाब हरियाणा और यूपी पश्चिमी यूपी में इसकी ज़बरदस्त शुरुआत हुई, बाद में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में राइस प्रोडक्शन में भी बहुत ज़बरदस्त शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान का जो 55% हिस्सा है वो ड्रॉट प्रोन एरिया है, बहुत 2-3 साल के बाद में वहाँ पर ज़बरदस्त अकाल पड़ जाते हैं। और इसके कारण से हम क्या देखते हैं कि खाद्य पदार्थ में महंगाई, उसी तरह से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी हम देखते हैं कि जो हमें जिस लेवल पर हमको प्रोडक्ट करना चाहिए, जिससे चाइना ने किया 80 के बाद से, उतना हम नहीं कर पाए और जिसके कारण से मिसमैच हुआ और यही रीज़न था महंगाई होने का। एक जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हर एक साल MSP निर्धारित करती है। ये MSP मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, और MSP होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे किसानों के हित की रक्षा करना ज़रूरी है। लेकिन इसी के साथ में क्या होता है कि MSP जो हर साल निर्धारित किया जाता है, तो उसके जो स्पायरलिंग इफेक्ट है वो दूसरे सामानों पर भी पड़ता है, तो इसका एक फैक्टर है। दूसरा हम क्या देखते हैं, अगर विदेश में मान लीजिए अमेरिका में इन्फ्लेशन हो गया, डॉलर की ताकत उतनी नहीं रही, तो क्या होगा, जब हम वहाँ से सामान मंगाएंगे तो हमें महंगा सामान मिलेगा, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, आपको पता है कि हमारे देश का जो 70-80% जो ऑयल इम्पोर्ट है, तेल का जो आयात है, वो हम उस पर निर्भर हैं। हमारे देश में स्वतः हम ज़्यादा 15-20% से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाते हैं, तो 80% से ज़्यादा तेल हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है, खासकर खाड़ी के देशों से। अगर उसमें आयात शुल्क में या तेल में जो उनका कार्टेल है, ऑयल जिसको बोलते हैं ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ये जो ओपेक कंट्रीज हैं, अब उन्होंने एक कार्टेल बना के रखा हुआ, अगर उन्होंने अपने तेल का दाम बढ़ा दिया तो उसका सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो हमारे देश के ऊपर पड़ता है। और जब तेल के दाम में वृद्धि होती है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी तेल के दाम में, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, या किरासन तेल हो, या अन्य कोई LPG हो, उसका सीधा दूसरे सेक्टर पर प्रभाव पड़ने लगता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ जाते हैं और जो अन्य सामान है वो भी महंगा होने लगता है। ये तो आपने जो कॉमन सेंस से उस आधार पर आपने देखा होगा। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट अपने टैक्स उगाही करने के लिए, आप जानते होंगे कि चूंकि बहुत सारे गवर्नमेंट को वोट लेने होते हैं दूसरे बार चुनाव जीतने के लिए, तो लोक लुभावन पॉलिसी उन्हें अख्तियार करना पड़ता है,
जनता को फ्री में बहुत सारे चीज बांटने होते हैं, अब ये सामान तो कहीं आकाश में मिलता नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, टैक्सेस लगाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दिया, इसके बाद में आप देखते हैं सेल टैक्स, इसमें बढ़ोतरी हो जाता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका प्रभाव सामान के जो कॉस्ट प्राइस है उस पर पड़ता है, जो जो लोगों को रिटेल प्राइस पर पड़ता है, क्योंकि जब आपने टैक्स बढ़ा दिया तो अब बढ़े हुए दाम पर ही सामान मिलेगा। एक तो ये फैक्टर है, और अगला जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अगर मान लीजिए लेबर अनरेस्ट हो गया या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा बढ़ गया तो उससे भी इन्फ्लेशन होता है। जैसे कि अभी आपने हमने एक दिन आपको कहा था कि 2005 में बोकारो स्टील प्लांट में 60,000 से ज़्यादा कर्मचारी मजदूर काम कर रहे थे, आज की तारीख में 10,000-12,000 काम कर रहे हैं। अब जब 60,000 काम कर रहे थे 2005 से पहले, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उनको कर्मचारी को तनख्वाह देना है, मजदूरों को तनख्वाह देना है, पैसा देना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टील का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। और इसके कारण क्या होता था कि जापान या चाइना या दूसरे अन्य कंट्री जो स्टील का उत्पादन जो हमारे यहाँ से ही रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, उन वो सस्ते दाम पर फिर हिंदुस्तानी मार्केट में ले आते थे। तो अब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर घटाएंगे तभी जो है इन्फ्लेशन भी या सामान के दाम जो है वो भी कम होगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अभी आप लोगों को अगर कोई पॉइंट हो तो आप ज़रूर हमसे डिस्कस करिए। थैंक यू।